सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। यार गेम्स तो खैर हम सभी को पसंद है और बहुत मजा आता है गेम्स खेलने में, और ऐसे में यार काफी लंबे इंतजार के बाद में फाइनली सोनी ने अनवील कर दिया है अपने ब्रांड न्यू प्लेस्टेशन 5 को। तो आज तो इस वीडियो को आगे देखते रहिए और मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी ब्रांड न्यू सोनी PS5 के बारे में। काफी कूल सा है दोस्तों सारा मामला, उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो ना अभी का भी आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप देखना चाहते हैं कि मैं आपके लिए आज अनबॉक्सिंग बहुत ही मतलब एकदम जल्दी से एकदम इसी दोस्तों सोनी के प्लेस्टेशन 5 की, जहां पे यार PS4 Pro हमने मतलब बहुत खेली और काफी टाइम से इंतजार था कि यार हमको मिल जाए जल्दी से एक नया वर्जन। तो यहाँ पे सोनी मतलब काफी लंबे टाइम तक टीज करने के बाद में फाइनल दोस्तों सामने लेके आ गया है सोनी प्लेस्टेशन 5। यहाँ पे दोस्तों इसके अंदर दो अलग अलग वर्जन होने वाले हैं, एक है स्टैंडर्ड सोनी PS5 जहां पे हमको मिल जाता है 4K Blu-ray प्लेयर ड्राइव। इसके अलावा दोस्तों इसका एक दूसरा वर्जन भी है जो होगा कंप्लीटली डिजिटल, जो कि ऑफ कोर्स है सोनी PS5 डिजिटल एडिशन। यहां पर दोस्तों एक ब्रांड न्यू ड्यूअल सेंस कंट्रोलर होने वाला है, दोस्तों है ड्यूअल शॉक कंट्रोलर। इसके ऊपर एक अपग्रेड है जहां पे हमको अडैप्टिव ट्रिगर्स और मतलब और बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और यहां पर दोस्तों सबसे बात करता हूं ब्रीफ स्पेक्स को लेके, तो ये जो है ब्रांड न्यू सोनी PS5 यहां पर दोस्तों लगा है एक 8-core AMD Zen 2 CPU और साथ में दोस्तों कस्टम AMD RDNA 2 बेस्ड GPU, जहां पे जो टोटल पावर हमको मिल जाएगी वो है 10.28 टेराफ्लॉप्स की। और ऐसे में दोस्तों यहां पे जो SSD सॉल्यूशन है वो भी काफी प्रोप्राइटरी सा है सोनी की तरफ से, जहां पे टोटल कैपेसिटी है 825 GB की और दोस्तों जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो है 5.5 GBPS। तो मतलब काफी ना मजा सा आ जाएगा दोस्तों इसी सोनी PS5 के साथ। जब मैं बात करता हूं अगर डिजाइन की तो एकदम बिल्कुल ब्रांड न्यू दोस्तों डिजाइन है। यहां पे आपको ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, मतलब काफी दोस्तों लगता है फ्यूचरिस्टिक सा देखने में, जहां पे टावर स्टाइल में दोस्तों आप इसको रखना पसंद करेंगे मतलब दिखने में काफी कूल सा लगेगा। लेकिन अगर दोस्तों आप चाहें तो ऐसे में जो स्टैंड है वो अडैप्ट कर लेगा अगर आपको इसको ऐसा फ्लैट लिटा के रखना हो अपना कहीं स्टैक वगैरह करने के लिए। यहां पे एक और चीज यार कि जो गेम्स मिल रहे हैं ना हमको दोस्तों लॉन्च के जो टाइटल्स हैं वो बहुत सारे हैं और काफी एक्साइटिंग से हैं। मतलब अभी ये नहीं मालूम है कि लॉन्च दोस्तों कब होने वाला है, मतलब कमिंग सून है, बात हो रही है हॉलीडेज की, तो मतलब अराउंड क्रिसमस टाइम जो है दोस्तों हमको देखने को मिलेगा यही PS5। लेकिन जो गेम्स हैं वो बहुत बड़ा कैटलॉग है दोस्तों एट लॉन्च, तो मतलब काफी मजा सा आने वाला है। और यहां पे इनफैक्ट दोस्तों क्वालिटी हमने देखी है, जितना सोनी ने दोस्तों दिखाया मतलब इवेंट में इतना मजा सा आ गया कि मतलब जो लेटेस्ट हार्डवेयर है इसकी ताकत को यूज करते हुए गेम्स में जो हमको एकदम रियलिस्टिक वाले इफेक्ट मिलने वाले हैं यार वो काफी मजेदार सा होगा। साथ दोस्तों यहां पे इसी ब्लैक एंड व्हाइट थीम को ही रखा है ऑल अक्रॉस। जहां पे अगर आपसे बात करते हैं एक्सेसरीज की तो एक दोस्तों ब्रांड न्यू ड्यूअल सेंस कंट्रोलर तो है ही, इसके अलावा इसी कंट्रोल के लिए एक चार्जिंग स्टेशन भी है, साथ दोस्तों ब्रांड न्यू 3D ऑडियो के साथ में आने वाले हेडफोन्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे एक ब्रांड न्यू HD कैमरा है और यहाँ पे दोस्तों एक मैजिक रिमोट। तो मतलब जो कंप्लीट लाइनअप है वो ही बेसिकली इस नई थीम के साथ में डिजाइंड है। और यहाँ पे दोस्तों जितना हमने देखा है इसी रिवील को, तो सामने की तरफ हमको मिल रहा है PS5 के अंदर एक USB-A और एक USB-C पोर्ट। अब जहां तक बात दोस्तों अगर करते हैं इसी कीमत को लेकर, तो डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा, जो डिजिटल एडिशन है उसकी कीमत थोड़ी सी कम होने वाली है स्टैंडर्ड वर्जन से। और ऐसे में मेरे ख्याल से शायद $550 का दोस्तों हो सकता है अगर स्टैंडर्ड एडिशन, तो $500 का हो सकता है यहाँ पे इसका डिजिटल एडिशन, और अगर $500 का होता है मान लो स्टैंडर्ड एडिशन तो ये हो सकता है $450 का। तो मतलब शायद $150 का हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा, और ऐसे में कीमत जो है वो मेरे ख्याल से अराउंड $500-550 के आसपास रहने वाली है। लेकिन ऐसे में दोस्तों जो कंप्लीट एक्सपीरियंस है ना, मतलब मैं तो यार पर्सनली बहुत एक्साइटेड हूँ, हालांकि मैं इतना गेम खेलता नहीं हूँ, कभी कभार यार वीकेंड थोड़ा बहुत हाथ लगा लिया, लेकिन ये जो नया PS5 है इसके दूसरे ग्राफिक्स वगैरह है उनको देखते हुए तो काफी मन सा करता है कि भैया मतलब अभी का भी आ जाए, अभी तो हम घर में वैसे ही बंदी है तो यार गेम खेलने का मजा सा होगा। तो मैं आपको लेके आऊंगा दोस्तों इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो बहुत ही जल्दी, जैसे ही बस मौका मिल जाता है सीधा अब तक दिखाने का इसी PS5 को। लेकिन तब तक के लिए आप दोस्तों बताओ नीचे कमेंट करते हुए अपने मन की बात क्या है, कि आपको कैसा लग रहा है, क्या आपको इसका डिजाइन पसंद आया या आपको नहीं आया, या आपको एक्सबॉक्स ज्यादा बेटर लग रहा है, या क्या है पूरी कहानी। भाई देखो मुझे तो जो PS के गेम्स है ना वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं और काफी मतलब चिंगारियां सी हैं अंदर की, जल्दी से खेल लें अभी का अभी, और डिजाइन देख के भी काफी फ्यूचरिस्टिक सा लगा है। बाकी आप बताओ कि आपका क्या है कहना, नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और
देखते हैं आखिर की कीमत क्या होती है और इंडिया में इसकी अवेलेबिलिटी वगैरह क्या निकल के आती है। लेकिन मैं तो खैर आपके लिए वीडियो उससे पहले लेके आ ही जाऊंगा दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देखने के लिए आपको धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सारा सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसी वीडियोज लेके आता रहता हूँ। दोस्तों फिलहाल वीडियो में इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।